यूज करूँ जिससे जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि चलने चकवाल भी फिरने मिल में भी जाए। मुश्किल हो रही है। ठीक है ठीक है, आपको अभी बताती हैं चकवाल में वो चीज़ें जो आपको मिल भी जाएं आसानी से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहोगी सादिया? देखो, इनको बच्ची के लिए मैं ये कहूँगी कि ऑब्वियसली फ्रैक्चर हुआ है, यंग एज है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा अपने मूवमेंट जो है उसको करना शुरू करें, कोई एक्सरसाइजेस, बेशक लेटे लेटे बैठे बैठे एक चीज़ तो ये ज़रूर करें, क्योंकि होता ही है कि प्लास्टर के बाद फिर वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं मसल्स, और फिर दोबारा पेन शुरू हो जाती है। ओके हड्डी तो जुड़ जाती है लेकिन मसल की पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। और यंग हैं तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डेली ले लें कुछ दिनों के लिए, जब तक इनका फ्रैक्चर हील हो रहा होता है, और अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत शुरू पैर की करें। एक्सरसाइज ना थोड़ी सी हाँ, आगे मूवमेंट पीछे उसकी शुरू मूवमेंट। करें, बिल्कुल। तो इनको वहाँ चकवाल में क्या चीज़, मतलब विटामिन डी में क्या चीज़ आप, एक तो इंजेक्शन होते हैं ना, एक वो कैप्सूल होती है, तो कौन सा सजेस्ट करेंगी आप? मैं प्रेफर करती हूँ कैप्सूल्स को, इंजेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो टूट गया, गिर गया, क्वांच आ गया, कुछ प्रॉब्लम उसमें आता है, तो कैप्सूल्स अच्छे होते हैं। वंस अ वीक लेने होते हैं, 3-4 वीक्स में आप ले लें। वंस अ वीक लेने हैं आपको?